Hello everyone, welcome to ITP. I'm Prachi Sanutra, going to make tamarind brinjal with chicken. Imli curry ke saath hum brinjal and chicken ka twist karne wale hain. Chaliye jaldi se dekh lete hain iske liye kya kya ingredients chahiye. Hamare paas yahan pe 900 gram chicken hai, roughly chopped onion, roughly chopped tomatoes, 3 green chilies, some garlic cloves, around half an inch of ginger, finely chopped onion. यहाँ पे हमने इमली का पानी ले लिया है, 5 brinjals, groundnut, curry leaves. Here I have some mustard seed and 2 red chili, urad dal, cumin seed, fenugreek seed, garam masala powder, coriander powder, turmeric powder, red chili powder, salt to taste, asafoetida powder, hing powder, some fresh coriander leaves, canola oil. So we'll quickly start. सबसे पहले हम सॉटे करेंगे हमारे groundnut को without oil. So ये हमारे groundnut गए इसके अंदर. We'll not add oil and we'll saute for a minute or two. So ये हमारे roast हो चुके हैं. इसको हम remove कर लेते हैं. उड़द दाल है, ये भी हम इसको सॉटे कर लेते हैं विदाउट ऑयल. इसमें भी हमने ऑयल नहीं डालना है, मिनट और टू के लिए इसको भी कर लेते हैं. हमारी ये उड़द दाल भी हो गई है, इसको भी रिमूव कर लेते हैं. विल यूज द सेम पैन एंड नाउ विल ऐड द ऑयल. ऑयल इज हॉट. जो हमारा जीरा है क्यूमन से थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें. Now we'll add our garlic and ginger, green chilies, our roughly chopped onions, saute for a minute. We'll add little salt so that our onion will become more translucent. Our tomatoes, done. ये हमारा हो चुका है. Flame करेंगे close और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं and फिर हम करेंगे इसको grind. So ये हमारा सारा material इसमें जाएगा और हम इसको करेंगे grind. So this is done. इसमें अराउंड 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है. अब हम जो हमारे ब्रिंचल्स थे उसको हम शैलो फ्राई कर लेते हैं. इसको मिनट और टू के लिए रखेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे. तो हमारे ब्रिंचल्स भी हो चुके हैं शैलो फ्राई. अब हम सेम पैन यूज करेंगे और हमारा ग्रेवी रेडी होगा. Now we'll do the same pan और अब इसके अंदर मेरे curry leaves जाएंगे, fenugreek seed and cumin seed जाएगा और हमारे इसके साथ ही onions भी जाएगा. Finely chopped जो हमने onions करे थे वो भी हम इसके साथ saute करेंगे और हमारा जाएगा इसके साथ asafoetida powder, hing powder, turmeric powder, salt. Remember हमने salt पहले भी डाला हुआ है तो उसके accordingly आप डालेंगे. ये हमारा paste इसके अंदर जाएगा जो हमने onion tomato का बनाया है और इसको करेंगे अच्छे से saute. Red chili powder according to your taste, coriander powder and garam masala powder. Saute well. Masala hamara mix ho chuka hai. Ab jo hamara imli ka pani tha jo humne banaya tha wo jayega iske andar. Isko karenge acche se mix. Around 2 to 3 minutes ke liye isko rakhenge jab tak ki ek nice acha sa boil nahi aa jata.
सो अच्छा सा बॉयल आ चुका है. अब हम इसके अंदर चिकन पीसेस डालेंगे. मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से कुक कर लेते हैं, और जब आपको लगे ये 80% कुक हो चुका है तब हम इसके अंदर ब्रिंजल्स डालेंगे. चिकन हमारा रेडी हो चुका है, अराउंड 80% कुक हो चुका है. अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्रिंजल्स. ये हमारे गए इसके अंदर ब्रिंजल्स जो हमने शैलो फ्राई करे थे. साथ में ही डालेंगे हमारी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, और इसको कवर करेंगे अराउंड 5 मिनट्स के लिए. और फिर हमारे पास ये हमारी जो इमली ब्रिंजल चिकन ग्रेवी थी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी. Close the lid. Now we'll garnish our dish. So garnishing के लिए क्या करना है? Around 2 tablespoon oil ले लेना है. अच्छे से इसको heat करना है. फिर हमारी जो mustard seed थी वो डालनी है इसके अंदर. Red chili and curry leaves. अब ये गरम गरम जो oil है हमारा ये इसके अंदर जाएगा curry के अंदर. हमारी curry ready हो चुकी है. अब हम इसको garnish करने वाले हैं हमारे hot स्पाइसी सीजनिंग के साथ जो हमारा जाएगा चिकन करी में. ये हमारा गया, ये जो हमारी चिकन ग्रेवी थी. यम्मी, नाइस स्मेल. सो आवर इमली ब्रिंजल चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी है. सीम्स वेरी यम्मी. फुल टू साउथ इंडियन स्टाइल से हमने बनाई है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. प्लीज अपने घर पे ट्राई कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स को खिलाइए. थैंक यू सो मच. हैप्पी कुकिंग. बाय बाय.